गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर सेकंड ईयर, पेपर है आपका स्पेडोलॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी विद्यालय स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी प्राथमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर करवाया था लेकिन वो आधा रह गया था, इसलिए उसको ही आगे कंटिन्यू करवाऊंगी। प्राथमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ होता है करिकुलम इंग्लिश में, जिसको लैटिन भाषा के क्यूरर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। जिस प्रकार धावक अपनी दौड़ कर अपने मैदान की दूरी को पूरी करता है, उसी प्रकार छात्र और अध्यापक भी एक निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर और पढ़ाकर लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं। किसी भी कक्षा कक्ष में पाठ्यक्रम का निर्धारित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है तो बालक अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए बालक को अपने लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि वो एक निश्चित पाठ्यक्रम पढ़े। इसी के क्रम में आगे मैं लिखवाऊंगी, इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट लिखवा दिए थे, चौथा पॉइंट लिखवाऊंगी व्यवसायों का समावेश। फोर्थ पॉइंट है व्यवसायों का समावेश। व्यवसायों का समावेश इसमें हम लिखेंगे कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो जिसमें व्यवसाय से रिलेटेड, या हम ये कह सकते हैं कि रोजगार से संबंधित पाठ्यक्रम निश्चित हो। बालक को उसके गृह प्रदेश से संबंधित गांव या शहर में किए जाने वाले व्यवसायों की जानकारी दी जा सकती है, जैसे शहरी बालकों को शहरों में चलने वाले विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों की जानकारी दी जा सकती है, तो ग्रामीण बालकों को कृषि से संबंधित व्यवसायों के बारे में सामान्य जानकारी दी जा सकती है।
क्या लिखा गया है 4 पॉइंट व्यवसायों का समावेश। इसमें हम लिखा है कि बालक को उसके गृह प्रदेश, जो उसका गृह प्रदेश है जहाँ पर रहता है, से संबंधित गांव या शहर, कहीं पे भी वो रहता है, किए जाने वाले व्यवसायों की जानकारी दी जा सकती है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कौन से व्यवसाय होते हैं, किसमें, गाँव या शहर में। जैसे शहरी बालक है तो शहरों में चलने वाले विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों की जानकारी हम शहरी बालक को दे सकते हैं। ग्रामीण बालक है तो ग्रामीण बालक को हम क्या दे सकते हैं, कृषि से संबंधित व्यवसायों के बारे में सामान्य जानकारी हम प्रदान कर सकते हैं कि कृषि से रिलेटेड व्यवसाय कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अब दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, प्राथमिक स्तर में ही, क्योंकि भूगोल विषय एक ऐसा विषय है जिसमें हम सारे ही विषयों को रिलेटेड पढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल भी हम पढ़ते हैं, पर्यावरण भूगोल भी हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ है ना पृथ्वी से, या हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल से, इन्हीं से रिलेटेड होगा, नहीं। भूगोल एक ऐसा विषय है जो सारे ही विषयों को कवर करता है। इसमें हम आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं, राजनीतिक भूगोल पढ़ते हैं, पर्यावरण भूगोल पढ़ते हैं, फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रादेशिक भूगोल पढ़ते हैं, क्षेत्रीय भूगोल पढ़ते हैं, कृषि भूगोल पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे मनुष्य के जीवन से संबंधित विषय है जो मनुष्य को प्रभावित करता है, तो इसलिए इसमें सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। 5th पॉइंट है पर्यावरण का समावेश। पर्यावरण के समावेश में लिखेंगे, बालक को पर्यावरण संबंधी बालक को पर्यावरण संबंधी सामान्य जानकारी के साथ साथ अन्य जानकारी भी दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मनुष्य को सिर्फ पर्यावरण से रिलेटेड ही जानकारी दी जाएगी, बालक को पर्यावरण संबंधी सामान्य जानकारी के साथ साथ तो अन्य जानकारियाँ भी दी जाती हैं, क्योंकि वो मानव के जीवन के लिए, या हम कह सकते हैं जीवन निर्वाह के लिए बहुत अति आवश्यक होती है। 6th पॉइंट है कृषि संबंधी ज्ञान। कृषि संबंधी ज्ञान को हम लिखेंगे, बालक को एक कृषक का जीवन, इसमें लिखेंगे एक कृषक का जीवन परिचय, कहानियाँ, उनके पालतू पशु व अन्य जीव जंतु से परिचय जो बालक प्रत्यक्ष रूप से देखता है। क्योंकि क्या देखता है मनुष्य, बालक कहीं ना कहीं कृषक का जीवन परिचय जब हम देते हैं बालक को प्राथमिक स्तर पर, तो कहीं ना कहीं बालक एक किसान को देखता है जो वो खेती करता है, उसके आसपास का एरिया हो सकता है, उसके हम ये कह सकते हैं किसी उसी जगह पे जहाँ पे वो रहता है, सपोज़ मान लो बालक गांव में रहता है तो उसके पास का एरिया हो सकता है, शहर में रहता है तो उसके पास पास के गांव के क्षेत्र हो सकते हैं,
जहाँ पर उसने कृषक को या किसान को खेती करते हुए देखा है, पालतू पशुओं को पालते हुए देखा हो, जिनसे उसके पास में क्या पहुँचता है, दूध है और आदि चीज़ें उसके पास में पहुँचती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ाते हैं बालक को, प्राथमिक स्तर पर जानकारी देते हैं, तो बालक को एक कृषक का जीवन का परिचय, कहानियाँ हैं उनके पालतू पशु अन्य जीव जंतु उनके बारे में भी बालक को प्रत्यक्ष रूप से या तो दिखाना चाहिए या उसके बारे में बताने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे बालक को पता पड़े कि किसान खेती किस तरीके से करता है, कहाँ से गेहूँ पैदा होता है, किस तरीके से जो उसको खाने के लिए सामग्री मिल रही है वो किस तरीके से उपलब्ध होती है, किस तरीके से वो उगाई जाती है, उसकी पैदावार कैसे होती है, ये सारी चीज़ें ही किस स्तर पर जानकारी दी जा सकती है, प्राथमिक स्तर पर भूगोल विषय में इन सभी विषयों की जानकारी दी जाती है। अब है उच्च प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर कौन सा हुआ? 6 से 8 तक का जो स्तर है वो कौन सा होएगा? उच्च प्राथमिक स्तर, क्योंकि जब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्राथमिक स्तर पढ़ रहे थे, अब है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के पाठ्यक्रम में हम पहला लिखेंगे देश के भूगोल, देश के भूगोल का समावेश, क्योंकि बालक में इतनी समझ आ जाती है कि वो कहाँ पे रहता है, उस देश का वातावरण कैसा है, उसके हम ये कह सकते हैं अक्षांश देशांतर रेखाएं कितनी होती है। हम पढ़ते हैं ना क्लास 6 में, जब हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें अक्षांश देशांतर रेखा का अध्ययन कराया जाता है, मानचित्र का अध्ययन है, फिर हम उसमें जलमंडल वायुमंडल मंडलों का संगठन पढ़ते हैं, हम चट्टानों के प्रकार या हम ये कह सकते हैं स्थलाकृतियों के प्रकार पढ़ते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं बालक को 6 क्लास से पढ़ाना प्रारंभ कर दिया जाता है, क्योंकि बालक को अपने देश के बारे में भी एक सामान्य जानकारी, जो नॉर्मल जानकारी होती है वो होनी चाहिए। इस कारण से पहला पॉइंट है देश के भूगोल का समावेश। इसमें हम लिखेंगे देश को भौगोलिक, देश को भौगोलिक परिस्थितियों यातायात, देश को भौगोलिक परिस्थितियों यातायात व्यवसाय मानवीय व आर्थिक जीवन आदि बिंदुओं का अपेक्षाकृत विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है एशिया भूगोल या एशिया महाद्वीप। कौन से महाद्वीप में रहता है बालक, कितनी तो जानकारी उसको होनी चाहिए 6 क्लास में। छात्रों को एशिया महाद्वीप के विभिन्न राष्ट्रों, एशिया महाद्वीप के विभिन्न राष्ट्रों की भौगोलिक परिस्थितियों प्रमुख देश व जनजातियों के बारे में
जानकारी जानकारी कराना। पहला पॉइंट है देश के भूगोल का समावेश। देश का भौगोलिक परिस्थिति मतलब देश की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है उसकी सामान्य जानकारी देना। यातायात कौन कौन से हैं, व्यवसाय कौन से हैं, मानवीय एवं आर्थिक जीवन आदि बिंदुओं का अपेक्षाकृत विस्तार से अध्ययन किया जाता है कक्षा सिक्स के अंतर्गत। फिर सेकंड पॉइंट है एशिया भूगोल, बालक किस महाद्वीप में रहता है उस महाद्वीप की सामान्य जानकारी दी जाती है कि छात्र को एशिया महाद्वीप के विभिन्न राष्ट्रों की भौगोलिक परिस्थितियों आदि प्रमुख देश व जनजातियों के बारे में जानकारी दी जाती है कि एशिया महाद्वीप में कितने राष्ट्र आ रहे हैं और कितने अन्य देश हैं, उनकी क्या क्या परिस्थितियां हैं, कहां से आयात हो रहा है, कहां से निर्यात हो रहा है, हम हमारे जो एशिया महाद्वीप है, हम जिस एशिया महाद्वीप के भारत देश में रहते हैं उसमें कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, बांग्लादेश में कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, इस तरीके से सामान्य जानकारी क्या दी जाती है एशिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप की सामान्य जानकारी एक दी जाती है। कौन से स्टैंडर्ड में, कक्षा सिक्स के अंतर्गत, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कक्षा सिक्स से लेकर एट तक का सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो कक्षा सिक्स से लेकर सेवन तक एट तक के पाठ्यक्रम में इस तरीके के भूगोल की जानकारी दी जाती है। फिर आता है विश्व का भूगोल तीसरा, क्योंकि बालक जब एट्थ क्लास में सेवन क्लास में आ जाता है तो उसको विश्व के भूगोल के बारे में भी पता होना चाहिए। विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल में हम देखेंगे विविध व्यवसाय, विविध व्यवसाय, विविध व्यवसाय भौगोलिक भौगोलिक वातावरण भौगोलिक वातावरण व मानव का अंतर्संबंध व मानव का अंतर्संबंध विश्व की प्रमुख अवस्थाएं सॉरी विश्व की प्रमुख समस्याएं समस्याएं यातायात यातायात ऊर्जा यातायात ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा के स्रोत खनिज पदार्थ विश्व कटिबंध आदि की छात्रों को जानकारी देना क्या है विश्व का भूगोल। विविध व्यवसाय के बारे में बताएंगे कि पूरे विश्व में कौन कौन से व्यवसाय चलते हैं, भौगोलिक वातावरण, मानव का अंतर्संबंध, विश्व की प्रमुख समस्याएं कि विश्व में कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं चल रही है। जैसे अगर हम भारत देश की समस्या लें तो एक हमारा भारत और पाकिस्तान की समस्या चलती है। फिर भारत में बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है, गरीबी क्षेत्र या गरीब लोग ज़्यादा है, तो इस तरीके से पूरे ही विश्व में कोई ना कोई समस्याएं चलती रहती हैं। तो इन्हीं समस्याओं की जानकारी देना, यातायात ऊर्जा के स्रोत, खनिज पदार्थ, विश्व कटिबंध आदि छात्रों को जानकारी दी जाती है कि इस स्टैंडर्ड में आकर इन सभी के बारे में बालक को पता होना चाहिए कि हमारे विश्व में क्या क्या समस्या चल रही है और किस समस्या के ऊपर हम काम कर रहे हैं और उसका क्या समाधान निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बालक उच्च प्राथमिक स्तर पर है तो किसी समस्या को समझ नहीं सकता, उसमें समझने की शक्ति आ जाती है, इस कारण से इन चीज़ों का भी अध्ययन कराया जाता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट एटलेस का उपयोग। बालक को एट्थ क्लास में एटलेस का उपयोग या एटलेस की जानकारी प्रदान की जाती है। एटलेस के प्रयोग का समावेश एटलेस के प्रयोग का समावेश बालक में
बालक में एटलस, बालक में एटलस के उपयोग, एटलस के उपयोग की क्षमता, की क्षमता का विकास, क्षमता का विकास करना ताकि ताकि वह नगर राज्य ताकि वह नगर राज्य देश बंदरगाह राजधानी यातायात खनिज पदार्थ यातायात खनिज पदार्थ ऊंचा वज जलवायु प्राकृतिक वातावरण आदि की जानकारी देना। एटलस के प्रयोग का समावेश, बालक को हम मानचित्र का उपयोग करना सिखाते हैं क्योंकि कक्षा 6th या 7th में ही मानचित्र के उपयोग या मानचित्र का महत्व या मानचित्र का अध्ययन का एक लेसन दे रखा है, तो उसके अंतर्गत हम बालक को एटलस जो होती है उसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है और कहाँ कहाँ पर एटलस का प्रयोग होता है, तो बालक में एटलस के उपयोग की क्षमता का विकास करना ताकि वह नगर राज्य देश बंदरगाह राजधानी यातायात खनिज पदार्थ ऊंचावत जलवायु प्राकृतिक वातावरण आदि की जानकारी दे सकता है, तो इतनी बालक को नॉलेज होनी चाहिए। फिर हम इसमें लिखेंगे ग्लोब के प्रयोग का समावेश, कि जो ग्लोब होता है जिसको हम पृथ्वी का प्रतिरूप मानते हैं उसका प्रयोग या उसका अध्ययन किस तरीके से किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि उसका अध्ययन क्यों आवश्यक है, क्योंकि ग्लोब के आधार पर ही हम भूगोल का विषय को समझ सकते हैं, हम पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं, कि पृथ्वी हम ऐसे तो देख नहीं सकते, क्या देख सकते हैं, हम आँखों से अपने पृथ्वी को नहीं देख सकते, लेकिन ग्लोब जो पृथ्वी का प्रतिरूप है उसके आधार पर हम पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। तो ग्लोब के प्रयोग का समावेश हमें बताना चाहिए कि दिन रात का होना किसके ऊपर आधारित है, दिन रात का होना ऋतु परिवर्तन या ऋतु चक्र समय कटिबंध पवने वायु दाब आदि की जानकारी दी जाती है। और लास्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, भ्रमण द्वारा अधिक जानकारी देना। इसमें हम लिखेंगे कि भ्रमण के द्वारा छात्र को भ्रमण के द्वारा अधिक व स्थाई जानकारी देना दी जाती है, जिससे बालक के जीवन में काम आ सके
क्या लिख रखा है? भ्रमण द्वारा अधिक जानकारी देना। छात्र को भ्रमण के द्वारा अधिक व स्थायी जानकारी दी जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम जाकर किसी वस्तु को या किसी स्थान को हम देखते हैं तो उसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज होगी। एक हम पिक्चर्स में या कंप्यूटर पे या हम सिर्फ ये इस तरीके के आधार एक नमूने के आधार पर उस विषय की या उस वस्तु की या उस जगह की जानकारी देंगे तो बालक को इतनी अधिक उस जानकारी के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाएगा। सपोज़ मान लो अगर हम बालक को किसी पहाड़ या पर्वत का अध्ययन करा रहे हैं तो अगर हम अरावली पर्वतमाला का अध्ययन जब हम बालक को करा रहे हैं तो अरावली पर्वतमाला के किसी भी एक भाग पर हम बालक को लेके जाते हैं, वहाँ पर भ्रमण कराते हैं तो बालक को उसकी अधिक जानकारी प्राप्त होगी क्योंकि वो स्थायी रूप से देख रहा है और वो जो जानकारी प्राप्त होगी वो बालक के जीवन भर रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो बालक उसको भूल जाएगा, लेकिन जो किताबों के माध्यम से हम जानकारी देते हैं उसको कहीं ना कहीं बालक कभी ना कभी भूल सकता है, क्योंकि वो हम ये कह सकते हैं कि बालक उसको पढ़ के याद कर रहा है। और एक हम भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो बालक प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसके बारे में जानकारी उपलब्ध प्राप्त कर रहा है। तो ये थे उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी माध्यमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम। आज आपका घरेलू प्रश्न है प्राथमिक व उच्च प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। यह आपका गृहकालीन प्रश्न है। जब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।